हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 4 जनवरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1809 ईस्वी में आज ही के दिन नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। सन 1854 ईस्वी में आज ही के दिन मैकडोनल्ड आइसलैंड की खोज समरंग में सवार कप्तान विलियम मैकडोनल्ड ने की थी। सन 1892 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा का जन्म हुआ था। कुमारप्पा को गांधीवाद पर आधारित आर्थिक सिद्धांतों अर्थात गांधी अर्थशास्त्र को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। सन 1906 ईस्वी में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। सन 1906 ईस्वी में आज ही के दिन किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी थी। सन 1925 ईस्वी में आज ही के दिन हिंदी साहित्यकार शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सांसों के सितार पर, बादलों से सलाम लेता हूँ, नीरज दोहावली, कुछ दोहे नीरज के आदि। सन 1948 ईस्वी में आज ही के दिन बर्मा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। सन 1962 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मानव रहित मेट्रो ट्रेन चली थी। सन 1993 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला का जन्म हुआ था। उन्होंने नई दिल्ली में 2019 ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के संचारी रोगों की अपनी सूची से HIV संक्रमण को हटा दिया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आधिकारिक तौर पर दुबई में खुली थी, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर यानी 2722 फीट के आसपास है। सन 2016 ईस्वी में आज ही के दिन कोलंबो का जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ने नीलम को 1404.49 कैरेट पर दुनिया का सबसे बड़ा नीला तारा घोषित किया था, जो अगस्त 2015 में एक श्रीलंकाई खदान में मिला था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 193 और ऋषभ पंत ने 159 रन बनाकर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन पर 622 पर 7 पारी घोषित की थी। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने थे। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन जकार्ता इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन आया था, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने कम लागत और आसानी से परिवहन योग्य ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका COVID-19 वैक्सीन को रोल आउट किया था। एक 82 वर्षीय व्यक्ति डायलिसिस रोगी ब्रायन पिंकर 4 जनवरी को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। सन 2021 ईस्वी में आज के दिन भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था, जो इस महाद्वीप में भारत के वैज्ञानिक प्रयास के 40 साल पूरे होने का प्रतीक है। सन 2021 ईस्वी में आज के दिन एशियाई विकास बैंक बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए $100 मिलियन लगभग ₹730 करोड़ का ऋण प्रदान किया था। सन 2021 ईस्वी में आज के दिन IDBI बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद GJC रत्न और आभूषण उद्योग की राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था ने आशीष पेठे को अध्यक्ष और संयम मेहरा को 2 साल की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि भरत सिंह चौहान सचिव पद पर बने रहे थे।
1922 ईस्वी में आज विश्व ब्रेल दिवस है। वर्ष 2019 से 4 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के लिए मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।